यहाँ के जितने भी लोकतंत्र हैं उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि समानता के साथ साथ जो अर्थव्यवस्था है उसको क्या रूप देना है। भारत का पहला संविधान है जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने देश की अर्थव्यवस्था कैसे हो, जो बातें आपने कही हैं, समाज की एकता हो, सबको बराबरती हो, बराबर हो, मर्द औरत बराबर हो, तो भेदभाव ना हो, सबका तरक्की का रास्ता, ये सारी चीज़ें आपने कही हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था देश की कैसे हो ये हमारे देश के संविधान में पहली बार आया है, पहले नहीं आया। दूसरी बार जो दुनिया के एक ही संविधान में है वो है आयरलैंड का संविधान, दूसरे दुनिया के किसी संविधान में नहीं है। वो है जो राज का चलना है उसकी नीति क्या हो, उसकी पॉलिसी क्या हो। तो ये बात पहली बार हमारे देश के संविधान में आई है, आयरलैंड के बाद दूसरी कहीं जगह नहीं है। तो संविधान के द्वारा इस देश को बदला जा सकता था, समाज को बदला जा सकता था और गरीबी दूर हो सकती थी, शोषण दूर हो सकता था और आदमी और औरत के बीच के जो खलीज है वो दूर हो सकती थी। लेकिन मुझे दो बातें कहने में बड़ा दुख हो रहा है, जब बाबा साहब ने 1948 में पहली बार जिसको फर्स्ट रीडिंग कहते हैं संविधान का जब मसौदा जब उन्होंने पेश किया तो उन्होंने कहा कि ये संविधान चलाने लायक है, ये संविधान जंग में अमन में आपको काम देगा। लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि अगर इस संविधान के द्वारा लोगों का भला ना हुआ तो हमें कहना पड़ेगा कि संविधान को चलाने वाला इंसान ही दुष्ट है। उन्होंने अंग्रेज़ी का शब्द वाइल इस्तेमाल किया है, वी फॉर विक्ट्री, VILE, वाइल, यानी संविधान को चलाने वाला आदमी ही दुष्ट है, इसलिए अगर लोगों का भला ना हुआ। तो जब उन्होंने फाइनल 49 में संविधान सभा में पेश किया पास करने के लिए, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उसका जो अंतिम भाषण है, अंतिम भाषण जो है वो हर भारतीय को पढ़ना चाहिए। मैंने उसको अंग्रेज़ी में छापा है, मैंने उसको हिंदी में करके छापा है। उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ये के दो तीन बातें बढ़ी हैं उन्होंने कही हैं जो लोगों ने नोट नहीं की, जो हमारे जो सत्ताधारी वर्ग हैं उन्होंने नोट नहीं की। उन्होंने कहा कि आज तक लाखों करोड़ों लोग जो हैं उनको पशु समझा गया कि उन पे ऊपर वजन लाद दो और लेते जाओ, और उनको कोई आपने इंसान का दर्जा नहीं दिया। अब वो लोग चाह रहे हैं कि हमें भी इंसान का दर्जा मिले, हम भी हाकम बने, हम भी सत्ताधारी वर्ग के बने। अगर आपने ये नहीं किया तो समय ऐसा आएगा कि वो लोग जो आज तक पशु बनाए जाते रहे, जिनका शोषण हुआ, जिनका दमन हुआ, जिन पे अन्याय अत्याचार हुए, अगर वो लोग उठ खड़े हुए तो ना लोकतंत्र बचेगा ना संविधान बचेगा, ये उनकी बात है। तो संविधान के बारे में अभी मैंने भीम पत्रिका में लेख छापा है कि संविधान हमारी आखिरी आशा है, इसी अंक में है कि संविधान हमारी आखिरी आशा है। उसमें जो भाग चार है जिसका मैंने जिक्र किया है कि आयरलैंड में है और कहीं नहीं, वो है कि नीति हमारे राज्यों की क्या होनी चाहिए, आर्थिक नीति क्या होनी चाहिए। उसमें यह है कि जो मोनोपोली है, अजारादारी है, यानी मुट्ठी भर लोगों के हाथ में जो कुछ है, यानी सत्ता है और आर्थिक साधन है, ये नहीं होने चाहिए, ये है। और जो प्राकृतिक कुदरती हमारी मिनरल्स हैं, हवा है, ये गैस है और अबरक है, लोहा है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, कोयला है, ये तमाम चीज़ें जो है ये जनता के हित में इनका इस्तेमाल होना चाहिए, ये उसमें है, भाग चार में है, ये संविधान के भाग चार में है। तो मैं आपको याद दिलाऊं कि अभी हमने 14-15 जून को हिमाचल के अंदर ऊना में बहुत बड़ा हमने अपना अधिवेशन किया था, 15वां अधिवेशन, उसमें हमने एक मैनिफेस्टो इशू किया है, घोषणा पत्र, उसमें ये सब चीज़ें हमने ली हैं और इसको बेस बना के पूरे देश में हम काम करने वाले हैं। जी हाँ, मैं